हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी बजे हैं सुबह के 7। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज श्राद्ध का लास्ट दिन है, यानी पूर्वजों की जो बधाई वाला दिन होता है वो दिन है। तो मम्मी कुछ करने जा रही हैं। सुबह सुबह जब मैं उठी थी तब मम्मी नहा धो चुकी थी और सारे काम कर चुकी थी, पूजा वूजा, और यहाँ पे खाने की व्यवस्था करने जा रही थी। तो मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, तो मम्मी काफ़ी कुछ बना रही हैं आज। ये देखिए, मम्मी ने चूल्हा भी जला दिया है और मैं अभी आई हूँ नहा के काम करवाने के लिए। ये चूल्हा जला दिया है और देखो क्या क्या बन रहा है। ये देखिए क्या क्या बन रहा है। ये नमकीन पकौड़ी वाला आटा है। ये नमकीन पकौड़ी का आटा घोल के रखा है जिससे कढ़ी भी बनेगी और ये पकौड़ी निकाली भी जाती है जो कहाँ कहाँ पे हवन करा जाता है, और हवन करने के बाद कुछ डाली भी जाती है कौओं के लिए और गाय वगैरह के लिए निकाली जाती है। तो यहाँ पे ये नमकीन पकौड़ी का आटा है और ये मीठे गुलगुले का आटा है। इसमें शायद सोडा डाला है, बेकिंग सोडा और गुड़ का घोल बनाया है आटे के साथ। तो ये इससे मीठी पकौड़ी बनेंगी। और यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, वहां मम्मी ने पूड़ी भी बेल के रख ली है। तो बस ये शुरू हो गया है खाना बनना। जब ये सारे पकवान वगैरह के काम करने होते हैं तो मम्मी चूल्हे पे ही करती हैं सारा ऊपर, क्योंकि गैस में खड़े खड़े करने में दिक्कत भी होती है और फिर गैस भी ज़्यादा देर तक जलानी पड़ती है। और यहाँ पे पूड़ी का आटा भी सन गया है तो कढ़ी भी बनेगी। और यहाँ पे बाउल में रखे हैं फूल, ये फूल रखे हैं, और ये बड़ी परात रखी है, कटोरी में ढके हुए रखे हैं तिल और जवा। तो यहाँ पे है फूल और ये परात, कटोरी, ये सब इसलिए रखे हैं क्योंकि पापा नहा के आएंगे और अभी पानी देंगे, क्योंकि वो डेली सुबह सुबह उठ के नहा के पानी देते हैं, श्राद्ध के टाइम पे दिया जाता है। तो यही सब हो रहा है। और यहाँ मौसम जब से मैं आई हूँ तब से नहीं खुल रहा है, और पूरे अब 15 से कितने दिन हो गए मौसम नहीं खुल रहा, 15 दिन से ज़्यादा हो गया मौसम नहीं खुल रहा है। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे पानी रुक जाता है फिर पानी आ जाता है दोबारा, तो ऐसे ही मौसम चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे मम्मी ने तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में, और सबसे पहले मीठे वाले जो पुए हैं जिसे गुलगुले कहते हैं हम लोग, तो ये गुलगुले सेक ले रही हैं। और ये वाला जो आटा है गुलगुले का और मतलब नमकीन पकौड़ियों का, वो मम्मी ने पहले ही घोल के रख दिया था, क्योंकि पहले से अगर आटा घोल के रख दो थोड़े टाइम पहले से ही तो गुलगुले काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो बस यहाँ पर मम्मी सेक ले रही हैं सबसे पहले मीठा, उसके बाद जो है नमकीन पकौड़ी सेक लेंगी और थोड़ी सी पूड़ियाँ सेक लेंगी, फिर जो आटा बचेगा उसका मतलब मैं बना लूँगी बाद में पूजा का बनने के बाद। और यहाँ पर अयान भी ऊपर आ गया, अभी सो के उठा है तो ये नीचे खेल रहा था, तो इसको धुआं लग रहा है, फिर भी इसकी आदत है जहाँ पे सब लोग होते हैं जहाँ वहीं पे रहता है, इसको अकेले रहने की आदत नहीं है, मतलब जहाँ सब लोग दिखेंगे उसको वहीं पे खेलेगा। तो मम्मी चिल्ला रही थी कि इसको धुएं में क्यों ले आई, मतलब इसको धुआं लग रहा होगा, तो ये इसको धुआं भी लग रहा है लेकिन इसको मज़ा भी यहीं पर आ रहा है। तो बस मम्मी यही बोल रही है यहाँ पर, और बस ये सीखा जा रहा है खाना। और आज वाला जो दिन है वो जो पुरखों का, पूर्वजों का लास्ट वाला दिन होता है, विदाई वाला, आज से मतलब इनको विदा कर दिया जाता है खाना वाना देने के बाद, पानी वानी ये सब जो दिया जाता है। और ये इस क्योंकि कल से नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, और जब कनागत स्टार्ट होता है उस दिन भी मम्मी ये सारा सब कुछ करती हैं, फिर जब बाबा जी का की श्राद्ध होती है तब करती हूँ, जब दादी की होती है तब करती हैं। तो मतलब 3 बार मम्मी कर चुकी हैं और ये लास्ट वाला है 4थी बार। और यहाँ पर पापा पानी दे रहे हैं परात में, इस तरीके से फूल वगैरह डाल के और हाथ में कुछ लेके इस तरीके से पानी देते हैं। तो पापा डेली सुबह सुबह ही पूरे दिन जितने दिन कनागत सर मतलब रहे हैं उतने दिन देते रहे हैं, ये लास्ट वाला दिन है। और सुबह मतलब इसमें कुछ भी चाय पानी कुछ भी नहीं करते हैं, सबसे पहले पापा नहा के यही काम करते हैं, उसके बाद ही सब कुछ मतलब चाय पानी जो होता है, घर की पूजा बाद में करते हैं पापा, तो यहाँ पर कर रहे हैं। और मम्मी ने हवन किया हुआ था तो ये सारा खाना सीख गया है। और मम्मी ने ये गाय के लिए निकाला है प्रसाद, मतलब पकौड़ी और पूड़ी, और उसके बाद चूल्हे में जो आग होता है अग्नि देवता, उनका भोग लगाएंगी मम्मी, पकौड़ी और पूड़ियों का खाना डालना। तो बस मम्मी यहाँ पे पूजा हवन ही कर रही हैं।
और गाय और अग्नि देवता को भोग लगाने के बाद फिर मम्मी जो दादा दादी जिनकी आज विदाई कर रही है मम्मी, तो उनका सारा पूजा करेंगी, चौक लगाएंगी और हवन वगैरह करेंगी, फिर प्रसाद लगाएंगी, फिर सारे छत पे जो है जो ये खाना है सब थोड़ा 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 सा सारे छत पे ही फैला देंगी ताकि कौवे आएँ खाने के लिए, क्योंकि कौवों के लिए ज़रूरी होता है खाना। तो इसी तरीके से यहाँ पे सबके घर पे होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा रिवाज सबके घर का चेंज रहता है, तो कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है, लेकिन सभी करते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा क्या हो रहा है कि अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, नए जमाने के जो लोग आ रहे हैं तो वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि इन चीज़ों को कम करते जा रहे हैं या उनको टाइम नहीं रहता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें किसी तरीके से भी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि साल में ही एक बार ये टाइम आता है, जैसे नवरात्र एक बार साल में आती हैं तो ये भी एक बार ही आते हैं, तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हमारे जो पूर्वज हैं वो खाने के लिए आते हैं, उनको हर तरह का खाना चाहिए कि 56 भोग का खाना लगाओ हमें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उनको एक खुशी मिलती है कि हमारे लिए ये सब कर रहे हैं, और उनकी आत्मा को मतलब खुशी मिलती है और अच्छा लगता है उन्हें कि ये सब हमारे लिए किया जा रहा है। जैसे हम भगवान को प्रसाद लगाते हैं पूरी श्रद्धा से, तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे खाने को आके खा ही लेते हैं, लेकिन हम करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें खाने के लिए आते हैं। लेकिन एक दिल से ये चीज़ें करनी चाहिए, और जब दिल से कोई चीज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उससे खुशी मिलती है, खुद को मिलती है, और जिसके लिए करते हैं उसको भी मिलती है। लेकिन आज के टाइम पे मैं देखती हूँ कि लोग इतना ज़्यादा अपने कामकाज में, जॉब में, अपनी भाग दौड़ वाली लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते, यहाँ तक के लिए अपने जो माँ बाप होते हैं उनके लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों के प्यार की, और बच्चों के जिस तरीके से बच्चों को वो प्यार करते हैं उनको बहुत ज़रूरत होती है मतलब बुढ़ापे में कि हमें भी प्यार करें बच्चे, तो वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, वो सोच ही नहीं पाते हैं वहाँ तक। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें थोड़ा ना थोड़ा टाइम अपने बच्चों के लिए या फिर अपने जो बड़े होते हैं उनके लिए ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि इससे खुद को खुशी मिलती है, उन्हें हमसे ज़्यादा उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और ये अब तो बहुत सारी बातें होंगी, और ये आज क्या था, क्योंकि कल से नवरात्र स्टार्ट है ना, तो यहाँ पे मैंने सफाई का काम चालू कर दिया है, क्योंकि मुझे बहुत ही कम टाइम मिलेगा यहाँ रुकने का, तो मैंने कहा चलो जो कुछ भी हो पाए उतना कर लें, क्योंकि फिर यहाँ पे मतलब करने वाला कोई नहीं है, तो मैंने कहा चलो नन्नी के साथ मैं मिलकर कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन हुआ है तो उनको चढ़ना उतरना बिल्कुल मना है। तो बस यहाँ पे मैं नीचे नीचे सफाई कर रही हूँ, और ऊपर चढ़ने मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे चढ़ूंगी इतने ऊपर, तो नन्नी ऊपर चढ़ गई है झाड़ू लगाने के लिए, और यहाँ पे लगवाऊंगी मैं पर्दा, तो यहाँ ये पर्दे की नाप ले रही हूँ मैं, और उसके बाद ये पर्दा सिल रही हूँ, क्योंकि ये पर्दा मतलब मार्केट का नहीं है, मैं ये साड़ी से पर्दा सिल रही हूँ, एक साड़ी रखी हुई थी पुरानी तो मुझे अच्छी लग रही थी पर्दे के लिए, और दीदी का फ़ोन आ रहा था तो वो बात करने में लगी हुई थी मुझसे, तो बस यहाँ पे मैंने पर्दा सिल के तैयार कर दिया है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि ये साड़ी कोई पहनता नहीं था, तो बस यहाँ पे मैं पर्दा बंधवा दे रही हूँ, तो ये ऊपर बांध रही है और मैं नीचे से इसको पकड़ा रही हूँ, तो हम दोनों इसी में लगे हुए हैं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना कि ये लड़की कौन है, तो ये मेरी बड़ी वाली दीदी की लड़की है नंदिनी, तो ये मेरे साथ में लगी हुई है, तो बस यहाँ पे ये पर्दा लग गया है, और ये पर्दा ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इस तरीके से मैंने इसमें ये प्लेट बनवा दी है, क्योंकि काफ़ी घना घना बनाया है बड़ा, तो ये ऊपर का काम मतलब फिनिश हो गया है, यहाँ पे पर्दा लग गया है, और ये नंदिनी ने झाड़ू लगा के ऊपर सामान भी लगा दिया था, तो बस यहाँ पे ये सारा हो गया है। अब हम अलमारी की सफाई कर रहे हैं, तो ये सारा जितना कूड़ा निकला है, कागज़ कूड़ा और बहुत सारे पुराने, कुछ चीज़ें सील गई हैं क्योंकि पीछे से सीलन आती है वहाँ से दीवार से, क्योंकि जो दूसरी तरफ का भाग है हमारे घर का, जो दूसरी तरफ बन रहा है वहाँ एक नया घर बन रहा है जिससे कि पानी वगैरह आता रहता है सील के, तो मैं ये सारी चीज़ें हटवा रही हूँ जो ख़राब हो गई हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारे कूड़े देख देख के ही रख रही हूँ, क्योंकि मैं जब कूड़ा निकालती हूँ तो उसके बाद सारी चीज़ें एक एक देखती हूँ कि कोई कागज़ या कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो काम की हो, उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके यहाँ पे कपड़े में बांध के रखने जा रही थी। तो बस यहाँ पे मैं कूड़ा सारा बटोर रही हूँ, उसके बाद ये सारी सफाई करनी है, और यहाँ पे सारा ये चेंज कर दूंगी, पूरा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि रात का टाइम है, लेकिन जितना कर पाएंगे उतना ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में लाइट बहुत जाती है, बहुत तीन तीन चार चार घंटे के लिए लाइट चली जाती है, तो फिर वेट करना पड़ता है क्योंकि अंधेरे में कोई काम नहीं होता है, और ऊपर से छत का जाल ढक देते हैं क्योंकि बारिश का टाइम है, तो पूरा अंधेरा हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये चावल और आटे वगैरह की बोरियाँ हैं, मैंने पेपर हटवा दिया है, तो इसके बाद मैं इसको कटिंग करके यहाँ पे काट के उसको बिछाऊंगी ताकि दीवार में जो अलमारी में सीलन ना आ पाए। तो बस यही है कि कुछ ज़्यादा डेकोरेशन का सामान तो है नहीं कि मैं ज़्यादा अपने को डेकोरेट करके दिखा पाऊँगी, बट हाँ ये है कि चीज़ों को व्यवस्थित कर दूँगी, जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं या बरसात की वजह से ख़राब हो रही हैं
तो चीज़ें ख़राब ना हो पाए और सेट हो जाए, जो कूड़ा कचड़ा है वो सारा निकल जाए और ऊपर से पूरी सफाई हो जाए ऊपर से नीचे तक की कमरे की, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से डेकोरेट या मतलब अलमारी वगैरह नहीं बनी हुई है ज़्यादा बंद वाली कि सारा सामान सेट होके मतलब कवर हो जाए। बट हाँ, जितनी मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को सेट कर लूँ, तो बस यहाँ पर मैंने कट कर ली हैं ये जो बोरी टाइप की हैं सामान की, राशन की, उनको इस तरीके से बिछा दूँगी। तो मैंने किनारे किनारे रेड वाली बिछा दी और बीच में एक ग्रीन कलर की बोरी टाइप में है उसको कट करके बिछा दूंगी, और यहाँ पे भी टेप लगा के सारा कवर कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे नन्नी किताबें रख रखी थी नन्नी ने अपनी, तो वो ख़राब होने जा रही थी। तो मैंने कहा पहले सबसे पहले किताबों के लिए अच्छी सी व्यवस्था बना दो ताकि किताबें ख़राब ना हो पाएँ बिल्कुल भी। तो हम लोग रात में इसी काम में लगे हुए थे, और जो अयान है, अयान की नानी और गोलू को दूसरे कमरे में भेज दिया क्योंकि यहाँ बहुत धूल मिट्टी गिर रहा था, और वहाँ पे वो दूसरे कमरे में उनको बहुत परेशान करने में लगा हुआ है। मम्मी काफ़ी देर से उसको खिलाने में लगी हुई हैं, कहीं कुछ कर रही हैं कहीं कुछ कर रही हैं। तो बस यहाँ पे ये मैंने अलमीरा सेट कर दी है, और यहाँ पे मैं इसमें टेप लगवा दे रही हूँ ताकि ये उड़े नहीं, कवर हो गई है और मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है अब ये पेपर, क्योंकि यहाँ पर गल जा रहे थे। तो बस इतनी रात हो गई, आप देख रहे हैं कि घड़ी पे भी 11:30 बजे हैं और मुझे 1 या 1:30 बज गए थे सारा काम निपटाते, इसलिए मैं वापस नहीं आ पाई आप लोगों के पास। यहाँ पे अलमीरा सारी साफ़ हो गई है और पूजा की अलमीरा भी साफ़ हो गई है क्योंकि कल से नवरात्र स्टार्ट है, तो ये सारी अलमारियों का काम हो गया है। अब नीचे की सफाई थोड़ा सा रह गई है, पोछा वगैरह लगाना है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।